देखो, हम लड़के लड़कियां रहते तो एक ही समाज में हैं, लेकिन हमारा परवरिश अलग होता है। जहाँ लड़कों को प्यार, इश्क, मोहब्बत और लड़कियों से दूर रखा जाता है, वहीं लड़कियों पर प्यार, इश्क, मोहब्बत जबरदस्ती थोपा जाता है। ना चाहते हुए भी हमारी हालत खरीदार और लड़कियों की हालत प्रोडक्ट जैसी हो चुकी है। लड़कियों को छूने का मौका कोई नहीं छोड़ता। बचपन से ही उसे गंदी नज़रों से घूरा जाता है। इतने सालों में समाज में रहने के बाद लड़की समझ जाती है कि सबको लड़की ही चाहिए। जहाँ हमारी सोच लड़की को पाने की होती है, वही लड़की सोचती है मैं किसके पास जाऊँ। देखो, हम दोनों पर समाज का दबाव होता है, इसलिए हम इधर उधर की बातें करते हैं। हम सीधा सीधा किसी से बात नहीं करते। हालांकि लड़कियां ज़्यादा बेचैन होती है किसी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, लेकिन हम लड़के कुछ बेवकूफ़ियाँ करते हैं जिससे लड़की हमसे दूर हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लड़का सोशल नेटवर्किंग पर लड़की के फ़ोटो पर कमेंट करता है, यू आर सो ब्यूटीफुल, और उसे पर्सनल मैसेज भी करता है, आपको बुरा तो नहीं लगा? लड़की के लिए ये आम बात है। चलो कोई बात नहीं, आपने भी कमेंट्स कर दिया, इट्स ओके। फिर लड़का मैसेज करता है, आपको बुरा तो नहीं लगा? आई एम सॉरी। अरे यार, आप सॉरी क्यों हो? लड़की को ब्यूटीफुल कहा, ये कोई गलती थोड़ी ना है। लड़की समझती है कि आप उसके पीछे पड़े हो, सो वो आपको रिप्लाई देना बंद कर देती है। आप एक के बाद उसको मैसेज भेजते जाते हो, नाराज़ तो नहीं हो? मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा? लड़की अगर पहचान की हो तो परेशान होकर आपसे पूछती है क्या है, क्या बात है यार, सीधे बात करो। आप कहते हो, मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ, आई एम सॉरी। अरे यार, तुम सॉरी क्यों हो? पहले गलती तो कर लो, आप सीधा बात क्यों नहीं करते हो? आजकल हम इतने प्रेशर में हैं कि हम सीधे सीधे कहीं नहीं बोलते, और किसी ने गलती से अगर सीधी बात कर भी लिया, सीधे आई लव यू बोल भी देता है, तो क्या सिर्फ आई लव यू बोलने से क्या लड़की पड़ जाती है? आई लव यू बोलने से पहले और आई लव यू बोलने के बाद बहुत सारी बातें करनी होती है। जानते हो मैं क्या करता हूँ? मैं 15-20 दिन तक लड़की को समझता हूँ कि लड़की पागल या बीमार तो नहीं है। मैं देखता हूँ कौन से दिनों में वो खुश होती है, कौन से दिनों में दुखी, वो कैसे लड़कों से बात करती है और कैसे लड़कों को दूर रखती है, उसके घर में कौन कौन है, उसके आसपास का माहौल कैसा है। एक लड़की का एग्जांपल लेता हूँ। ये लड़की तीन लड़कियों के ग्रुप में रहते थे। फ्रेंडली लड़की थी, सभी से रिस्पेक्ट से बात करती थी। उसे कपड़ों से साफ पता चलता था कि उसके घर में उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं है। वो जब भी चाहे मुझसे मिलने आ सकती थी। कॉलेज के एक शाम वो अकेली बैठी थी, मैंने वही सही मौका चुना और उससे बात करने का। मैंने उससे नज़रें मिलाई और सीधा उसके पास 2 फीट जाकर दूर जाकर खड़ा हो गया। इस बीच ना मैंने पलके झपकाई, ना उसको पलके झपकाने दिया। मैं सीधा उससे पूछा, हेलो, क्या नाम है आपका? उसने अपना नाम बताया। मैंने फिर पूछा, ये किस सब्जेक्ट की बुक है, ये मैं देख सकता हूँ? ध्यान रखना, ऐसे समय पर आपको चुप नहीं रहना है, एक के बाद एक सवाल आपको पूछते जाना है। इसको फर्स्ट इम्प्रेशन फार्मूला कहते हैं। उससे एक के बाद एक सवाल पूछते रहो, और सवाल ऐसे पूछो कि जिसका जवाब वो आसानी से दे सके। सवाल पूछो उसके आसपास हो, जैसे मैंने उससे सब्जेक्ट के बारे में पूछा, आपको यहाँ बहुत सारी बातें करनी है। मैंने पूछा, आप पढ़ाई करती हो या कुछ खाने पीने का शौक़ है? गौर करना, मैं यहाँ पर ऐसे बातें करूँगा जिसका जवाब बाद में भी दिया जा सके और हमें बातें करने का और मौका मिले। हमारे सामने बातें करने के बहुत सारे रास्ते खुल जाएं ताकि हम बाद में मिल सकें या बाद में बात कर सकें। मैं उसके इंटरेस्ट के बारे में बात किया, खाने पीने के बारे में बात किया, पार्टी की बात किया। मैंने उसके सामने ऐसे सवाल रखे कि जिसके बाद उससे मैं बाद में पूछ सकूँ, मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, आप चलोगे क्या? मैं चाय पी कर रहे थे, चलो आइसक्रीम खा कर रहते हैं, चलो पार्टी करते हैं, न्यू मूवी चल रही है, तुमने देखा है क्या? मैं पहली बार बात करके दूसरी बार बात करने के रास्ते खोल रहा हूँ। लेकिन दरअसल होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल लड़का जाता है, उससे ऐसी बातें करता है कि लड़की परेशान हो जाती है और अपने दूसरी बार बात करने के सारे रास्ते बंद करके आता है। और सोशल नेटवर्किंग के एग्जांपल लेते हैं तो क्या सिर्फ यू आर सो ब्यूटीफुल के कमेंट के दम पर लड़की पड़ जाती है?
आप सोचते हो कि आप सोचते हो मैंने उसको यू आर सो ब्यूटीफुल कहा है, इस घटना को बहुत से बहुत बड़ी बात माना जाएगा और इससे बातचीत शुरू होगा और इसी कमेंट के दम पर हमारे बीच प्यार हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत सारे टॉपिक्स आने चाहिए, आपको बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए। मैंने इसके पहले भी टॉपिक्स के बारे में बात कर लिया, टॉपिक के बारे में वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देखें और उसमें से वही टॉपिक ट्राई कीजिए। आपको जिस टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक में ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आए, आप उसका कलेक्शन बना लो और नेक्स्ट लड़की से वही सारे कलेक्शन और वही सारे क्वेश्चंस पूछो।